हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मेरा जो आज का वीडियो है, रात को स्टार्ट कर रही हूँ। डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो मुझे मॉर्निंग की तैयारी करनी है कि कल है अमावस फ्राइडे को, तो ये मेरा थर्सडे का है नाइट का टाइम का वीडियो है। मैं चावल भिगो रही हूँ, जो टुकड़ा चावल होते हैं ना वो भिगो रही हूँ खीर बनाने के लिए। तो इनको मुझे रात को ही भिगो कर रखना है, जिससे कि खीर ना बहुत अच्छी सॉफ्ट सी बनती है और जल्दी चावल जो है घुल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल को भिगो कर रख दिया है, और इधर दूसरी साइड मैंने एक भगोना ले लिया है, उसमें किचन के जितने भी कपड़े थे ना वो सारे मैंने डाल दिए हैं। और ये उबलता हुआ पानी बिल्कुल गर्म गर्म सा, और इसमें थोड़ा सा ठंडा भी मिक्स कर लूँगी, और ये डाल दिया है। ये कपड़े मुझे रात को ही धोकर डालने हैं, मॉर्निंग तक ये सूख जाएंगे। तो मैं मोस्टली किचन के कपड़े ऐसे ही करती हूँ, रात में ही धोती हूँ, क्योंकि पूरा दिन ना फिर यूज़ करने होते हैं और सबको धो देती हूँ एक साथ ही, पूरा दिन फिर यूज़ करती रहती हूँ। रात को फ़ैन में इनको सुखा दूँगी तो सूख जाएंगे अच्छे से, सूख जाएंगे। फिर उसके बाद मैं मॉर्निंग तक इनको फिर पूरा दिन यूज़ कर लेती हूँ। अभी मैं इनको धोकर डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पर इसमें ना थोड़ा सा सोडा भी डाल दिया था, जो खाने वाला होता ना बेकिंग सोडा, वो वाला डाल दिया था। और फिर साबुन की हेल्प से इनको धोकर रख दूँगी। किचन में ही साबुन रखती हूँ इनका ना धोने का, तो उसमें उससे इनको अच्छे से रगड़ रगड़ कर मैंने वॉश कर लिया है गर्म पानी में। तो पानी मैंने इतना रखा था जिसमें कि हम हाथ डाल सके ना, जिसको सहन कर सके, इतना गर्म पानी। और उसमें मैं अच्छे से इनको फिर धो रही हूँ। तो ये देखिए, सर्फ भी डाल दिया था मैंने थोड़ा सा और बेकिंग सोडा। उसके बाद मैंने इनको एक डेढ़ घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, उसके बाद फिर मैंने इनको धोना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो है कपड़े अच्छे से मैं इनको कंघाल लूँगी, पानी में पानी चलाया हुआ है तो इसमें कंघाल लूँगी। और गर्म पानी में ना बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं सारी चिकनाहट या जो भी दाग वगैरह होते हैं सब्ज़ी वगैरह के, किचन के कपड़ों में लग ही जाते हैं, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे कपड़े सारे धुल, ये वाले कपड़े धुल चुके हैं किचन के। और बस अब उसके बाद ना मैं इनको सुखा दूँगी। पहले मशीन में सुखा दिया था, और उसके बाद फिर इनको बाहर मैंने थोड़ी देर बाहर भी सुखा दिया, बाहर की हवा लगा दी, और फिर अंदर डाल लिया था फ़ैन की हवा में। तो यहाँ पर फिर से मैंने भगोने में पानी ले लिया है। तो ये कुछ सब्जी लेकर आए थे, टमाटर वगैरह, तो इनको मैं वॉश कर रही हूँ। गर्म पानी ले लिया है दोबारा से मैंने इस भगोने में, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद फिर पहले इस गर्म पानी से धोया, उसके बाद फिर मैंने जो बहता पानी टंकी हमारी टैप का है जो, तो उससे धो लिया है। तो यहाँ पर बस मैंने इसको अच्छे से पहले नमक के पानी से, उसके बाद फिर टमाटर को साफ़ पानी से, और कुछ हरी मिर्ची भी थी उनको भी वॉश कर लिया, और प्याज को भी मैं वॉश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज को भी पहले नमक के पानी से कर लिया है, और उसके बाद फिर साफ़ पानी से फिर मैं इनको सूखने के लिए रख दूँगी। रात को ये मॉर्निंग तक सूख जाएंगे, पंखे की हवा में रख दूँगी इनको सूखने के लिए। तो क्योंकि अभी धूप। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हूँ मैं किचन में, आपको दिख रहा होगा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो किचन में गर्मी लग रही है, थोड़ा इधर चलते हैं रूम में। तो अभी ना काम सारा ख़त्म हो चुका है और लंच रह रहा है। अभी लंच नहीं बनाया और कपड़े नहीं धोए, आज ना अमावस है तो अमावस को हम लोग कपड़े नहीं धोते हैं, और फिर थे भी नहीं, मैंने कल ही धो दिए थे सारे, तो ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, थोड़े से ही थे दो चार। तो मैंने सोचा कल मशीन लगा लूँगी, और अभी बस लंच बनाना रह रहा है तो वो बनाएंगे। देखना, पसीने पसीने आ रहे हैं। फैन चला देती हूँ तो फिर आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी। तो बस यहाँ पर जो है, और लंच में बनाऊंगी दाल चावल। और आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आप लोग ना लाइक नहीं करते हो, देखते हैं सब लोग देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए आप मेरी वीडियो पे। और यार कैसे सेट करूँगा, और ना मेरा ये स्टैंड टूट गया है तो फ़ोन को रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे को। तो बस अभी जो है मैं लंच बनाऊंगी, और मैं सोच रही थी आज ना अपने रूम की थोड़ी सी सफाई करूंगी, क्योंकि बच्चों के बर्थडे आने वाले हैं, फिर एक साथ सारे काम हो जाते हैं। वैसे तो ज़्यादा कुछ हम करने वाले नहीं है, घर घर में ही करेंगे, और हमेशा ही घर में करते हैं। बस थोड़ा बहुत बच्चों को बुला लेते हैं, अपने जो फैमिली के होते हैं बस उन्हीं को बुला लेते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं वो करते हैं।
तो फिर भी लेकिन साफ सफाई तो करनी ही चाहिए घर में। तो थोड़े से जाले लगे हुए हैं कोने कोने में, एक साइड ही इधर है बस, इधर इधर नहीं है और इधर भी नहीं है, बस एक साइड में ही है। तो रोज सोचती हूँ आज करूंगी लेकिन फिर पूरा दिन जो है ऐसे ही चला जाता है। तो थोड़ा सा टाइम मिलता है तो थोड़ा सोचती थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ या फिर वीडियो का काम कर लेती हूँ, तो पूरा दिन जो है ऐसे ही चला जाता है मेरा। और बस अभी जो है लंच में बनाऊंगी दाल चावल हल्का सा ही। और सुबह में ना मैंने खीर बनाई थी, खीर से हम लोग पूजा करते हैं, मावस होती है ना जब, तो खीर से पूजा करते हैं। खीर बनाई थी रात को ही, चावल भिगो कर रख दिए थे रात को। फिर मैंने जो किचन के जितने भी कपड़े होते हैं ना सारे वॉश करके रखे और किचन बिल्कुल साफ करके छोड़ दी थी रात को ही। तो वैसे तो रोज ही छोड़ते हैं लेकिन फिर भी, और फिर मॉर्निंग में फिर एक बार फिर मैंने क्लीन करने के बाद उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाया। खाना क्या, सुबह खीर ही बनाई थी बस मैंने, और सैंडविच बनाए थे नाश्ते के लिए, खीर मैंने पूजा के लिए बनाई थी। तो बस अभी स्टार्ट करूंगी। ये बच्चे नीचे खेल रहे हैं, शिवानी कुछ देखना कितने पसीने आ रहे हैं। शिवानी ना कुछ अपना पेपर वेपर काट के कुछ कुछ बनाती रहती है तो, और आशु खेल रहा है नीचे। तो चलिए हम ना बनाना शुरू कर देते हैं लंच, क्योंकि बनाकर रख दूंगी और फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से रूम वूम ठीक कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना अपना लंच, दाल चावल जो कि सभी का फेवरेट होता है। तो बस यहाँ पर ना मैं दाल चावल आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि दाल चावल ना मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो फिर मैंने क्या सोचा, दाल मैंने चढ़ा दी थी और इधर बस चावल बनाने थे, रोटी नहीं बनानी है आज मुझे। तो मैंने क्या सोचा कि मेरे पास काफ़ी टाइम है, रूम तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन आज मैंने किचन को जो ड्रॉर वगैरह होते हैं ना वो मैंने खाली कर दिए हैं। क्योंकि हम लोग औरतों का क्या होता है कि थोड़ा सा भी हमें टाइम मिलता है ना हम सोचते हैं यार ये काम कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, तो वही मेरे साथ भी होता है। तो यहाँ पर मैंने दाल तो चढ़ा दी थी, सिर्फ चावल बनाने थे, उसमें भी एक सीटी में बन जाएंगे चावल भी। तो मैंने इन ड्रॉर्स को खाली कर दिया और बर्तन ना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि बर्तनों को ना मैं उतने ही जितने मुझे यूज़ करने हैं उतने ही बर्तन मैं इसमें रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा रखते हैं ना फिर बर्तन भी ज़्यादा होते हैं और फिर काम भी बहुत ज़्यादा फैलता है। उनको लगाओ धो और निकाल निकाल के बच्चे तो ड्रॉर में से निकालेंगे सिंक में डाल देंगे, ड्रॉर में से निकालेंगे सिंक में डाल देते हैं। तो ऐसे कर करके पूरा दिन, और फिर इसमें ना यहाँ पर गंदा भी हो जाता है, पूरा मैसी हो जाता है। तो अब ना मैं इसमें थोड़ी सी कटोरी जितने बर्तन यूज़ में आते हैं उतने ही निकालूंगी। तो मैं गिन कर ना यहाँ पर कटोरी वगैरह रख रही थी, तो बस यहाँ पर मैंने 6-7 गिलास और 6-7 कटोरी, 8-7 कटोरी ले ली है मैंने, 4 छोटी 4 बड़ी और 4 उससे भी छोटी छोटी। तो बस इतने ही मैं बर्तन इसमें जितना हो सके बहुत ही कम बर्तन रखूँगी, क्योंकि फिर मुझे ही प्रॉब्लम होती है। तो अभी वैसे भी लॉकडाउन में कोई गेस्ट वगैरह तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने इन बर्तनों को उठा के रख दिया है। और आप प्लेट्स भी देख सकते हैं कितने सारे प्लेट्स हो रखी है। तो जो प्लास्टिक वाली है उनको मैं अलग से रख रही हूँ उठाकर, और स्टील की, और सिर्फ 5-6 ही प्लेट रखूँगी। वैसे हम लोग तो 4 जने हैं लेकिन फिर भी मैं 5-6 प्लेट से ज़्यादा नहीं रखूँगी इसमें। और ट्रे वगैरह रख दूँगी, क्योंकि उसका थोड़ा सा यूज़ होता रहता है, तो ट्रे यहीं पर रख दूँगी। और मैंने सारी प्लेट्स सारी ट्रे वगैरह जितने भी थे सब निकाल दिए मैंने, और सबको मैं ऊपर उठा कर रख दूँगी। तो मैंने इनको ना एक कट्टे में भर के और मैंने किचन के ऊपर जो सबसे ऊपर ड्रॉर होता है उसमें रख दिया था मैंने। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कौन कौन से मुझे रखने हैं, कौन से ऊपर उठा के रखने हैं, कौन से नीचे रखने हैं ड्रॉर में। तो मैंने सारे ना, और मुझे इसको साफ़ भी करना था, तो इसी बहाने ये साफ़ भी हो गया। मैंने कहा आज इस टाइम को यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि खाना तो जल्दी ही बन गया था मेरा। दाल चावल में बहुत ही कम टाइम लगता है, कुकर में चढ़ा देते हैं वो बन जाती है। तो बस यहाँ पर इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ और रूम को फिर मैं कल साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी किचन जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और बस ये है हमारे दाल चावल, तो आप लोग भी खा लीजिए। किचन वगैरह करने के बाद ना फिर मैंने खाना खाया और दाल चावल मैं ऐसे ही खाती हूँ। तो ये वो वाली दाल है, उड़द चने की जो दाल होती है ना वो वाली दाल है, तो बस ऐसे ही खाती हूँ। आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए खाना। तो यहीं पे कर देती हूँ इस वीडियो का एंड, फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप अपना ध्यान रखें। तो चलिए बस कर देती हूँ यहीं पे इस वीडियो का एंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।